कॉस थीटा है उसकी वैल्यू ये आती है आर एक्स यानी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमने फाइंड करना है आर एक्स कंपोनेंट, आप इस आर को देने दें तो आपके पास ये आ जाएगा आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि आर एक्स जो है उसका वेक्टर आर का या रिजल्टेंट वेक्टर का हमने एक्स कंपोनेंट ऐसे फाइंड किया है। इसी तरह इसका वाई कंपोनेंट जो है वो यू होगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू आर वाई डिवाइडेड बाय आर, यानी इस ट्रायंगल में से परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ये साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहां से हम आर को इधर ले जाएंगे, हमारे पास ये बनेगा आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये वाला जो एक्स वाई कंपोनेंट है ये एक्स कंपोनेंट है जो हम फाइंड करना चाह रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मजीद क्लैरिटी के साथ ये मिल जाएगा। वही ट्राइंगल हमने दोबारा सपोज किए हैं, वही कंपोनेंट्स जो मैंने आपको समझाए हैं वो इस फिगर के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे कि ये डायग्राम जो है ये ग्राफिकली शो करती है कि ये एक्स कंपोनेंट है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ये है, ये उसका वाई कंपोनेंट। जबकि हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने आर सपोज किया कि एक जगह हमने आर किया था, तो कंफ्यूज नहीं होना। cos थीटा वही है ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, ए एक्स क्या है उसमें एक्स कंपोनेंट है जो कि बेस है डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, तो हमने इसको रीअरेंज किया तो ए एक्स बन जाएगा। इसी तरह साइन थीटा है परपेंडिकुलर ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये इसका ए वाई कंपोनेंट आएगा। तो इट मीन के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए जो इस फिगर में हमें नजर आ रहे हैं वो हमने फाइंड कर लिए। स्टूडेंट्स आगे है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है वो क्या है, इज द प्रोजेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर मैं दोबारा वो डायग्राम बना दूं आपको, ये डायग्राम इस तरह बन रही थी, ये एक वेक्टर था, इसका प्रोजेक्शन यानी प्रोजेक्शन कहते हैं साया को, यहां पे इसका जो साया पड़ता है वो इतनी लेंथ है, तो वो परपेंडिकुलर ड्रा करके हमने एक्स एक्सिस पे ली थी। अगर हम आर वेक्टर पॉइंट कहते हैं कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर है तो ये आर एक्स होगा। इसी तरह वाई कंपोनेंट क्या होगा, वो वेक्टर आर का प्रोजेक्शन होगा ऑन वाई एक्सिस या फिर अलोंग द वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था आज का लेक्चर जिसमें हमने ये शो किया है कि वेक्टर जो होता है वो इक्वल होता है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये बेसिकली इक्वल है अपने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के, यानी दोनों को ऐड अप करें तो इसका इफेक्ट उसके बराबर है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें थर्ड कंपोनेंट भी होगा तो उसको हम ए जी लिख सकते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो स्टूडेंट्स दिस वाज योर टुडेस लेक्चर, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई बात समझ ना आई हो या पूछना चाहे तो आप जरूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।